गुड़ हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है, विशेषकर सर्दियों में। इसलिए हमें चीनी की जगह गुड़ का ही उपयोग करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल गुड़ पारे की बहुत ही आसान रेसिपी। तो मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गुड़ पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक परात ली है। डो बनाने के लिए मैंने आधा कप आटा लिया है। आधा कप मैदा ली है। और मैंने 4 बड़े चम्मच सूजी ली है। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो इसको मिक्सी में मैंने बारीक कर लिया है। अब हम इसमें से पहले 2 चम्मच सूजी डालेंगे इसमें। इसमें मौन लगाने के लिए मैंने 1/4 कप घी लिया है। अब हम सारी चीजों को हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने आटे में मौन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से दबाएंगे तो ये बंधना चाहिए, खुला खुला नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है, मैं इसको दूध में लगा रही हूँ। आप चाहो तो इसमें पानी का भी यूज कर सकते हो। और 2 चम्मच दूध मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि ये ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको गूंदेंगे। मैंने इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। और अब हम लास्ट में क्या करेंगे कि जो हमने ये सूजी बचाकर रखी थी, 2 टेबलस्पून सूजी है ये, इसको इसमें मिक्स करेंगे। मैंने गुड़ पारे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो ये सेमी सॉफ्ट है। ये जो मैदा का बनाते हैं हम डो, उसमें हमें उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना होता है और वो पर्याप्त होता है। लेकिन सूजी फूलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हम इसको आधे घंटे के लिए अभी रेस्ट पर रखेंगे। आधा घंटा हो गया है और हम डो चेक कर लेते हैं। बढ़िया सा सेट हो गया है डो। अब इसको एक बार और हम नीट करेंगे। सूजी बढ़िया से फूल गई है। इसमें सूजी डालने से ये थोड़ी से कड़क बनते हैं, तो जब हम पाक लगाएंगे गुड़ का इसमें, तो ये उसमें टूटेंगे नहीं। मैंने डो को फिर से नीट कर लिया है और अब हम इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। मैंने इस तरह से गोल कर लिया है इसे। अब बेलन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है और इसकी थिकनेस हम कुछ इतनी रखेंगे। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके किनारे कट कर देंगे। अब हम इसको लंबा लंबा कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरफ से भी लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे अपने मन चाहे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। वैसे शकरपारे कुछ इसी तरह के बनते हैं और मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। हमें इनको इतना मोटा रखना है। मैंने सारे गुड़ पारे बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। गुड़ पारे को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है और इसमें तेल डाला है मैंने फ्राई करने के लिए। आपको जो भी पसंद हो तेल भी, आप उसमें इसको फ्राई कर सकते हैं। अब जब ये तेल थोड़ा मीडियम गर्म हो जाएगा तब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल मीडियम गर्म हो गया है, इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आ गए हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालकर देखेंगे दाना, और ये सिककर तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है और हमें इतना ही गरम तेल चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके सारे गुड़ पारे डाल देंगे। एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और जब ये सिककर थोड़ी हल्की ऊपर आ जाएंगी तब हम इनको सेकेंगे उलट पुलट कर। अभी हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। गुड़ पारे थोड़े थोड़े सिक गए हैं और आप देख रहे होंगे कि ये थोड़े थोड़े ऊपर भी आने लगे हैं। और अब हम इनको उलट पुलट करके सेकेंगे जिससे ये चारों तरफ से बढ़िया से सिक जाए। गुड़ पारे में बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। इनको हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तेज गैस पर हम इनको नहीं फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल देंगे। सुनिए आपने आवाज। इसी प्रकार हम बाकी के गुड़ पारे भी सेक लेंगे। मैंने सारे गुड़ पारे फ्राई कर लिए हैं और अब हम इनके लिए पाक तैयार करेंगे। पाक तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और मैंने गहरी कढ़ाई ली है इसके लिए। और अब हम इसमें ये गुड़ डालेंगे। ये मैंने करीब 1.25 कप गुड़ लिया है और मैंने इसको छोटे छोटे पीस
पीसेस में तोड़ कर लिया है जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको मेल्ट करेंगे। बारीक तोड़ने से गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और फ्लेम को यहाँ पर हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसको मेल्ट करेंगे और गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। अब आप देख रहे होंगे कि गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर हम इसको पानी में डालकर चेक करेंगे। जब हम पानी में डालकर चेक करेंगे तो इसकी सॉफ्ट बॉल बननी चाहिए। ये अभी थोड़ा सा और हो जाए तो हम इसको चेक करेंगे। गुड़ हमारा गाढ़ा हो गया है और अब हम इसे एक पानी के बाउल में डालकर चेक करेंगे और ये बॉल की तरह बन रहा है और हमें इसी कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है। बढ़िया खिंच रहा है ये और हमें इसको ऐसा ही पकाना है। अब हम इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें जो हमने गुड़पारे बनाकर रखे थे वो डाल देंगे। मैंने सारे गुड़पारे गुड़ में कोट कर दिए हैं और आप देख सकते हो कि हम इनको इतना चला रहे हैं लेकिन फिर भी ये टूट नहीं रहे हैं। अब हम इनको परात में निकाल लेंगे और इनको ऐसे ही चलाएंगे। अब हमें इनको बराबर ऐसे ही चलाना है जिससे ये गुड़ थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जैसे जैसे गुड़ ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये ड्राई भी होता जाएगा और हमें इसको चलाते समय ध्यान भी रखना है कि हमें इनको अलग भी करते रहना है। अब हम हथेली पर थोड़ा सा तेल लगाकर इनको एक दूसरे से अलग करेंगे और इनको हाथ पर रखकर थोड़ा सा सेक देंगे। मैंने सारे गुड़ पारे बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हो कितने बढ़िया बने हैं ये। कितने कड़क बने हैं ये आप देख सकते हो और एक एक बढ़िया हमारा बनके तैयार हुआ है। अब एक गुड़ पारा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना खस्ता बना है हमारा ये और टूटे भी नहीं है। आप देख सकते हो गुड़ में जो हमने कोट किया उसमें और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। लीजिए हमारे गुड़ पारे बनकर तैयार हो गए हैं और आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है। अब आप भी इन्हें बनाइए और इस विंटर में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनके रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है और मुझे उनसे मोटिवेशन भी मिलती है। अगर आपने मेरी कली मटरी की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ।